तो फ्रेंड्स अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाके डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य, तो वहाँ पा सकते हैं आप सभी अपडेट्स, मेरे कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं, मेरे सारे लेसन्स और स्लाइड्स डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको ऑफलाइन। तो अभी कीजिए डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रतीक्षा और आज ईवीएस के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज के जो नोट्स हैं वो हैं आवास से संबंधित और जंतु से संबंधित, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं इससे संबंधित जो चैप्टर 1 है उसमें मैं पेड़ पौधे से संबंधित नोट्स प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो आपने अगर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैप्टर 1, तो आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आवास और जंतु के बारे में, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो छोटे से एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आवास से। सबसे पहले हम बात करेंगे आवास क्या होता है। तो आवास वह स्थान जहाँ हम रहते हैं, हमारा घर, जो आवास कहलाता है। आवास हमें गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। आवास दो प्रकार के होते हैं, स्थायी आवास और अस्थायी आवास। स्थायी आवास मनुष्य या जीव जहाँ पर स्थायी रूप से रहता है, यानी कि हमेशा वहीं रहता है, वह स्थायी आवास कहलाता है, जैसे कि मनुष्य का घर। अस्थायी आवास किसे कहते हैं? जहाँ जीव या मनुष्य कुछ समय के लिए रहता है, जैसे तंबू या टेंट। जो मनुष्य के घर होते हैं वह समय के साथ साथ बदले हैं। जो मनुष्य के घरों का जो रूप है वो समय के साथ साथ बदला है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो पहले मनुष्य थे वह पेड़ों पर रहते थे, फिर उसके बाद गुफाओं में रहने लग गए, फिर गुफाओं से झोपड़ी बनाने लग गए, फिर कच्चे पक्के मकान हो गए, फिर ईंट के मकान हो गए, और अब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया। तो मनुष्य के जो घर हैं उनका जो रूप है वह समय के साथ बदलता रहता है। आज से लगभग 2500 साल पहले विकसित जो सभ्यता थी, जो पहली नगरीय सभ्यता कही गई, वह थी सिंधु सभ्यता। तो पहली नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, और इस सभ्यता की जो विशेषता थी वह थी सुनियोजित नगर एवं भवन निर्माण। तो सुनियोजित नगर था, बहुत अच्छे ढंग से विकसित किया गया था, बनाया गया था। उसके जो भवन थे वो बहुत अच्छे आज के जैसे ही थे, बहुत बड़े बड़े थे। हर उसमें आपको बाथरूम भी मिलेगा, उसमें आपको किचन भी मिलेगा, उसमें तालाब भी होगा, वहाँ कुआ भी होगा। तो हर चीज़ की व्यवस्था उन घरों में की गई थी, और साथ में सबसे अच्छी जो बात थी उस घर की वह थी समुचित जल निकास प्रणाली, यानी कि पानी का निकास हो सके उसके लिए बड़ी बड़ी नालियाँ भी बनाई गई थी। तो यह जो व्यवस्था थी वह नगरीय सभ्यता जो थी वह थी सिंधु सभ्यता। और इसके जो दो फेमस जगह हैं जो आपने शायद सुने होंगे उनके नाम, उनका नाम था हड़प्पा और मोहन जोदड़ो। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने आवास को यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर घरों को बांट दिया है। आपने कई जगह देखा होगा जो क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो उनका जो घर होते हैं उनका रूप भी अलग तरह का हो जाता है, अलग तरह का होता है। तो यहाँ पर हमने आवासों को विभिन्न प्रकारों में बांट दिया है। तो पहला जो घर है वो है मिट्टी का घर। तो यह प्रायः गांव में पाए जाते हैं, ज़्यादा गर्मी वाले स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान। घरों की छतें छप्पर या झाड़ियों की बनी होती हैं। मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए भूसा मिलाया जाता है। नेक्स्ट जो घर है वो है बांस और लकड़ी, जो बारिश वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे घर जो बांस और लकड़ी के बने होते हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, और यह जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं, और यह भारत के असम या मेघालय जैसे राज्यों में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जिससे कि बाढ़ अगर आती है तो जो घर हैं वो ऊंचे होने की वजह से वह बचे रहें। नेक्स्ट जो है वो है पत्थर और लकड़ी के घर, यानी कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर आपको पत्थर और लकड़ी के घर मिलेंगे, और इन इलाकों में
बारिश और बर्फ दोनों पड़ती है। तो जिन इलाकों में बारिश और बर्फ दोनों पड़ती है वहाँ पत्थर और लकड़ी के घर मिलेंगे, और स्पेशली वहाँ की जो छत होती हैं उनकी जो छत होती है वह ढलान के रूप में होती है, यानी कि ढलवा होती हैं, स्लोपिंग होती हैं, जिससे बारिश और बर्फ छत पर जमा ना हो और वह आसानी से अपने आप ही नीचे गिर जाए। इस तरह के घर आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर पहाड़ी स्थान होते हैं, पहाड़ी इलाकों में इस तरह के घर मिलेंगे और जिनकी जो छतें हैं वो ढलवा रूप में होती हैं। नेक्स्ट है ईंट के मकान और ऊंची इमारतें समतल क्षेत्रों में मिलती हैं, मैदानी भागों में मिलेंगी, और बड़े बड़े शहर जैसे होते हैं वहाँ पर आपको ईंट के मकान और ऊंची इमारतें देखने को मिलेंगी। बर्फ के घर यानी कि इग्लू, जो बर्फ के घर होते हैं उन्हें इग्लू कहा जाता है, और ये बर्फीले क्षेत्र में मिलते हैं, और ये बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं, और इनका जो आकार होता है वो होता है गुंबदाकार। और यह जो घर होते हैं इग्लू, इसमें एस्किमो जाति के लोग रहते हैं, यह शिकार करने के लिए इन घरों को बनाते हैं, और यहाँ पर वह अस्थाई निवास करते हैं, स्थाई निवास नहीं करते, अस्थाई निवास करते हैं। हाउस बोट होती हैं, लकड़ी का घर होता है जो नाव पर बना होता है, जो पानी पर तैरता रहता है। इस तरह के घर आपको कश्मीर और केरल में मिलेंगे, लेकिन जो कश्मीर है वहां पर जो हाउस बोट होती है उसकी छत पर नक्काशी की जाती है, और नक्काशी को बोलते हैं खतमंद। तो खतमंद बोला जाता है कश्मीर की जो हाउस बोट है उनकी छतों पर जो नक्काशी होती है उसे खतमंद बोला जाता है। नेक्स्ट है टेंट। टेंट भी अस्थाई निवास है, और यह पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। जो माउंटेनियर्स होते हैं या पर्वतारोही जिन्हें आप कहते हैं, वह पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पर रुकने के लिए टेंट का प्रयोग करते हैं। लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, और इन्हें जो वो टेंट होता है उसे बोला जाता है रेबो, जिसे रेबो कहा जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, जो है चैप्टर 8, जो है जंतु, और जंतु एवं पौधे आपको दे रखा है। तो पौधों के बारे में मैं आपको पहले ही वो बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं चैप्टर 1, जिसमें आपको पौधों से संबंधित जानकारी मिलेगी। अब हम बात करेंगे जंतु की। तो जंतु को हमने भोजन के आधार पर 3 भागों में बांटा है, पहले जो है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो मुझे डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि शाकाहारी जंतु कौन से होते हैं, जो शाकाहारी भोजन यानी कि पौधों की पत्तियां खाते हैं और घास खाते हैं। उस तरह के जो जंतु होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, जैसे बकरी, घोड़ा, गाय। तो इस तरह के जो जंतु हैं वो शाकाहारी हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं, ठीक है, या फिर उन शाकाहारी जंतुओं को भी खा जाते हैं, तो वह मांसाहारी जंतु होते हैं। सर्वाहारी वह होते हैं जो शाकाहारी यानी कि पत्तियां, रोटी, दाल या घास, इस तरह की चीजें भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, यानी कि सर्वाहारी जो शाकाहारी भोजन भी खाते हैं और मांसाहारी भी, जैसे कुत्ता और बिल्ली। दूसरा है वास स्थान के आधार पर हम जंतुओं को 4 भागों में बांटेंगे, यानी कि उनके रहने के स्थान के आधार पर कि कौन सा जंतु किस स्थान पर रहता है, जैसे थलचर, जलचर, नभचर और उभयचर। तो थलचर है जो स्थल पर रहते हैं, जो जानवर, जो जंतु स्थल पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, वह थलचर कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि। जलचर जो पानी में रहते हैं, जल मतलब पानी, पानी में रहते हैं, वह जैसे मछली, तो वह जलचर कहलाते हैं। नभचर, नभ माने आकाश, तो नभचर जो आकाश में रहते हैं वह जैसे कौआ, चील आदि। और उभयचर जो थल पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, जैसे कछुआ, मेंढक आदि। तो ये 4 तरह के जानवर हैं, जंतु हैं,
जिन्हें वास स्थान के आधार पर बांटा गया है, थलचर, जलचर, नभचर, उभयचर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको चार तरह के जंतु दिए जाएंगे और आपसे किसी भी चर के बारे में पूछा जा सकता है, यानी कि आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा थलचर है या कौन जलचर है, कौन उभयचर है, तो आपको आंसर बताना होगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं जंतुओं से संबंधित, उनको देख लेते हैं। जैसे मछली के बारे में लिखा है, मछली का धारा रेखित शरीर तैरने में सहायक होता है। तो मछली अपने जो धारा रेखित शरीर की वजह से पानी में तैर सकती है। मछली में सांस लेने के लिए गलफड़े यानी कि गिल्स होते हैं जिनसे वह सांस लेती है, यानी कि जो मछली है उसके मुंह में पानी आता है, वह गलफड़ों की मदद से यानी कि वह गलफड़ों से निकल जाता है और उस पानी में जो ऑक्सीजन होता है वह गलफड़े सोख लेते हैं। रजत मछली एक तरह का कीड़ा है, यह मछली नहीं है सबसे पहली बात। तो रजत मछली को छोड़कर सारी मछलियां पानी में रहती हैं। तो अगर कभी ऑप्शन में नाम आ जाए रजत मछली, इनमें से कौन मछली नहीं है, तो आप आंसर लिख सकते हैं रजत मछली। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है हमारा, मेंढक और बतख के पैरों में पाद जाल होते हैं जो उन्हें तैरने में मदद करते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट के कूबड़ में भोजन चर्बी के रूप में यानी कि वसा के रूप में संचित रहता है, जमा रहता है। ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है। ऊंट के पैर लंबे व गद्दीदार होते हैं और इन्हीं कारणों से ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। पक्षी जो है उसकी जो पूंछ है वो उड़ते समय दिशा बदलने व नीचे उतरने में सहायता देती है। पक्षी सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जो जुलाही चिड़िया है जिसे वीवर बर्ड कहते हैं, और उसका जो नर है वह घोंसला बनाता है और घोंसले का आकार कैसा होता है, लालटेन की तरह। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सी चिड़िया का जो घोंसला होता है वो लालटेन की आकार का होता है, तो आपका आंसर जुलाही या वीवर बर्ड जो भी नाम दे रखा हो वह होगा। जो टहनियों से लटका हुआ होता है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इस तरह का जो घोंसला है वह वीवर बर्ड का है। नेक्स्ट है, कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो आंसर होगा कौआ। नेक्स्ट, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, यह कौए के घोंसले में अपना अंडा देती है। तो यह बात सभी जानते होंगे अगर आपने थ्री इडियट्स देखी है। तो इसमें भी आगे बढ़ते हैं। चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है कौआ और एक है चील। तो कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है और जो चील है वह सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कौआ जो है कोई भी पेड़ होगा उसकी ऊंची जो डाल होगी उस पर घोंसला बनाएगा, लेकिन चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाएगी और उसका जो घोंसला होगा वो सबसे बड़ा भी होता है साइज में। ठीक है, कलचिड़ी अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है। बैल खेतों की जुताई में किसान की सहायता करते हैं। गाय, बैल, भैंस, भेड़ आदि के मल मूत्र को खाद या उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां और कुछ श्रमिक मधुमक्खियां यानी कि मादा मक्खियां जो मधुमक्खियां होती हैं उन्हें श्रमिक मधुमक्खियां भी कहा जाता है, होती हैं। और डंक मारने का जो काम करती हैं वो श्रमिक मधुमक्खियां करती हैं और इनका जो जीवन काल होता है वो 40 से 45 दिन का होता है। अब कुछ पालन से संबंधित है, यानी कि जो मधुमक्खी का पालन होता है उसे एपीकल्चर बोला जाता है। रेशम कीट का जो पालन होता है वो सेरीकल्चर बोला जाता है और मछली पालन पिसी कल्चर बोला जाता है। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन तो एपीकल्चर है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो जो एपी है, एपी जूस होता है, उसमें क्या भरा हुआ है, मधुमक्खी का शहद भरा हुआ है, तो एपीकल्चर।
रेशम कीट पालन सेरिकल्चर, तो रेशम की साड़ियाँ होती हैं तो साड़ी से ध्यान रख सकते हैं, सैरी जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं तो सैरी कल्चर, और मछली पालन यानी कि पिसी कल्चर, तो आप याद रख सकते हैं मछली कैसी है, पिसी हुई, तो पिसी हुई मछली तो पिसी कल्चर। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, और अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।